लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने कांग्रेस को एक बार फिर से झटका देते हुए विदिशा में बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने कांग्रेस के कई नेता और पूर्व विधायक को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। विदिशा से पूर्व विधायक शशांक भार्गव ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के कमल को अपना लिया है, लिहाजा कांग्रेस के कई और नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मेरा पहले आपसे बार बार का परिचय था, लेकिन आपसे जब भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, आपके विचार सुनता हूँ, तो एक मन पे बहुत गहरा प्रभाव, एक अलग काया के अलग ढंग से जिंदगी जी आपने, और ये पूंजी देखता हूँ जब लगातार रोज आपके गंगा की अविरल धारा की तरह लगातार अलग अलग प्रकार से अलग अलग इतना अगाध विश्वास करे हुए लोग आपके साथ जुड़कर जाते हैं, जो आपके इशारे पे अपने साथ धीरे 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 करके इस भारतीय जनता पार्टी का विशाल परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर। हमारे सम्मानित मंच, माननीय संगठन मंत्री जी, हम सब मिलकर आश्वस्त करेंगे कि जो भी मित्रगण आ रहे हैं आपके मान सम्मान का भी पूरा ध्यान रखेंगे, सरकार में आपके साथ आपके विचारों का भी ध्यान रखेंगे, और विकास के मामले में आपके सदैव अच्छे विचारों का तवज्जो दे करके जो मध्य प्रदेश के लिए बेहतर होगा उस सब के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः भाजपा परिवार में प्रवेश की एक तरह से जो एक अच्छी सौगात मिली है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। न सिर्फ विदिशा बल्कि नर्मदापुरम, नरसिंहपुर से भी कई नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को अपना लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। साथ ही सबने मिलकर बीजेपी के कुनवे में शामिल होने वाले नए सदस्यों को सदस्यता दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित हो गए प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व। सारा भारत आज श्रद्धा सहित उनके पीछे खड़ा है। आज हमारे इस परिवार में सम्मिलित हुए, मैं बहुत वर्षों से उनको जानता हूं और हृदय से, पहले भी जब वो कांग्रेस में थे तब भी उनका आदर करता था। बड़ी निष्ठा पूर्वक उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से जनता की सेवा करने का प्रयत्न किया, लेकिन आज जो कांग्रेस की दशा और दिशा और दृष्टि और नेतृत्व है उसके कारण उनको लगा कि मोदी जी ही एकमात्र नेतृत्व करता है, भारतीय जनता पार्टी ही भाई ऐसी पार्टी है जिसके माध्यम से देश की और जनता की सेवा की जा सकती है। वहीं बीजेपी ज्वाइन करने वाले शशांक भार्गव ने कहा कि मेरे गुरु सुरेश पचौरी ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करवाई है, मुझे आदेश किया गया तो मैं बीजेपी में आ गया। खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ 2013 में, लेकिन अभी आपने मंच से सुना नहीं कि माननीय शिवराज जी ने कहा कि हमारा मित्र व्यवहार हर समय रहा, भले ही हम आपस में चुनाव भी लड़े। इसलिए ऐसा लगता है कि सुरेश पचौरी जी को आने में जल्दी हो गई, आप लेट हो गए हैं, ऐसा क्या कुछ? ना कोई उन्हें जल्दी हुई ना मुझे कोई देरी हुई, वक्त सब तय करता है, वक्त के हिसाब से जो तय होता है वो हो जाए। आपने अभी कहा कि मुझे पचौरी जी ने कई बार टिकट दिलवाया, तो क्या लगता है कि पचौरी जी ही टिकट आपको देते थे? नहीं नहीं, जो बात सत्य है वो कह रहा हूँ मैं कि कांग्रेस में उन्होंने मुझे हर समय मदद की और टिकट दिलवाए। इसी दौरान एक बार फिर से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 370 प्लस का नारा दिया और कहा कि जल्द ही बीजेपी का कमल फिर से खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 370 प्लस का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश से ही हमें टास्क दिया था झाबुआ की सभा से, और उन्होंने कहा था कि हर बूथ पर 370 प्लस नए ऐसे लोग जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया होगा, ऐसे सभी जनता जनार्दन को, ऐसे सभी समर्थकों को जोड़ करके अब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के चरणों में 370 प्लस नए मतदाताओं के कमल के फूल समर्पित करना है। हालांकि बीजेपी पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस की कमर तोड़ने में लगी है ताकि आगामी चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर सके।